अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो मैं इब्तिहान और आप देख रहे हैं एफ डी मोबाइल वर्ल्ड चैनल। सो गाइस, ये है गूगल पिक्सल 6। आज हम इसका 2024 में डिटेल में कैमरा टेस्ट करने वाले हैं कि गूगल पिक्सल 6 आपको बाय करना चाहिए या फिर नहीं। सो आप हमारे साथ वीडियो फुली देखिए। सो ये है गूगल पिक्सल 6। यहाँ पर आप इसका डिजाइन वाइज देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट डिजाइन है यहाँ पर गूगल पिक्सल 6 का। यहाँ पर डिजाइन जो है ना गूगल पिक्सल 4, 4 एक्सल 5 से एकदम हटकर बनाया है यहाँ पर गूगल पिक्सल 6 में। यहाँ पर हम इसको एंड्रॉयड 14 में यहाँ पर हम इसका कैमरा चेक करते हैं कि यहाँ पर जो है ना मेरा जो डिवाइस है अभी एंड्रॉयड 14 में अपडेट है। यहाँ पर कैमरा में जो है कौन कौन से न्यू फीचर्स आए हैं हम इसको सारे को डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आपने वीडियो पूरी देखना है कि कौन कौन से न्यू फीचर यहाँ पर ऐड हुए हैं एंड्रॉयड 14 में गूगल पिक्सल 6 में। सो गाइस, यहाँ पर हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सो आप लोग से गुजारिश है कि अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को होपफुली फुली देखें, तभी आपको पता लगेगा कि इसका कैमरा वॉइस किस तरह है। So guys, अगर कैमरे की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको बैक साइड पर डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। जो मेन कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है जो कि f1.9 एपर्चर के साथ आता है, जो कि 25mm वाइड एंगल कैमरा है। इस कैमरे में आपको OIS का सपोर्ट भी मिलता है। और जो सेकंड कैमरा आपको 12 मेगापिक्सल का मिलता है जो कि f2.2 एपर्चर के साथ आता है, जो कि 17mm अल्ट्रा वाइड कैमरा है। सो गाइस, अगर वीडियोग्राफी की बात करें यहाँ पर आपको मिलता है 1080p 30fps 60fps का सपोर्ट मिलता है और 4K भी 30 और 60fps का मैक्सिमम सपोर्ट मिलता है, जहाँ पर आपको OIS का सपोर्ट भी मिलता है। अगर फ्रंट कैमरे की बात करें यहाँ पर आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पर आपको मिलता है, जो कि f2.0 अपर्चर के साथ आता है, जो कि 24mm वाइड एंगल कैमरा है। अगर फ्रंट कैमरे की वीडियोग्राफी की बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ 1080p 30fps का मैक्सिमम सपोर्ट मिलता है, जहाँ पर आपको कोई भी 60fps का सपोर्ट नहीं मिलता। सो गाइस, यहाँ पर हम 50 मेगापिक्सल से कुछ पिक्चर क्लिक करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये रहा मेन कैमरे का रिजल्ट, जो कि एकदम परफेक्ट पिक्चर यहाँ पर क्लिक की हुई है। यहाँ पर आप डिटेल वाइज देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे जो है ना HDR कंट्रोल जो है मुझे बहुत ही परफेक्ट लगा गूगल पिक्सल 6 में। यहाँ पर आप डायनेमिक रेंज भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डायनेमिक रेंज भी है एकदम परफेक्ट। यहाँ पर अगर मैं क्वालिटी वाइज बात करूँ तो यहाँ पर मुझे क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी, पिक्चर शार्प भी है, यहाँ पर डिटेल वाइज भी एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर जो है ना स्किन ट्यून को भी एकदम अच्छी तरीके से मेंटेन हुआ है, यहाँ पर जो है ना नेचुरल टोन प्रोवाइड करता है गूगल पिक्सल 6 पिक्चर में। सो गाइस, नाउ अभी हम बढ़ते हैं पोर्ट्रेट की तरफ, यहाँ पर हमें पोर्ट्रेट में किस तरह रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं गूगल पिक्सल 6। यहाँ पर हमें कोई भी टेलीफोटो सेंसर नहीं मिल रहा, सो यहाँ पर जो है ना पोर्ट्रेट जो है उससे भी सॉफ्टवेयर बेस पर होते हैं। यहाँ पर आप डिटेल वाइज देख सकते हैं यार एकदम परफेक्ट डिटेल है, यहाँ पर एजेस भी देख सकते हैं एकदम परफेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। जो डिटेल वाइज जो है मुझे बहुत ही अच्छी लगी गूगल पिक्सल 6। यहाँ पर आप इसका ब्लर भी देख सकते हैं बैकग्राउंड में एकदम नेचुरल जैसा टोन प्रोवाइड करते हैं, बैकग्राउंड का जो ब्लर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एज डिटेक्शन भी एकदम परफेक्ट है, यहाँ पर आप जो स्किन के जो कलर जो है ना ये एकदम नेचुरल सा लुक प्रोवाइड करता है, यहाँ पर एकदम DSLR जैसा लुक प्रोवाइड करता है गूगल पिक्सल 6 का जो पोर्ट्रेट है ना वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, वो जो ब्लर है थोड़ा सा ज्यादा और कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर नाउ गाइस, अभी हम बढ़ते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरे की तरफ, जो कि हमें मिलता है 12 मेगापिक्सल का। सो हम इसका कुछ पिक्चर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें अल्ट्रा वाइड में 0.7x का मैक्सिमम सपोर्ट मिलता है, यहाँ पर आप सिर्फ 0.7 तक ले जा सकते हैं अल्ट्रा वाइड में। सो यहाँ पर हम इसका फीचर क्लिक करते हैं, फिर हम आपको इसका रिजल्ट दिखाते हैं। सो ये रहा इसका रिजल्ट यार, मुझे जो क्वालिटी वाइज जो है ना मुझे बहुत ही परफेक्ट लगी गूगल पिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड जो पिक्चर क्वालिटी है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर आप इसका डिटेल वाइज भी देख सकते हैं, पिक्चर का क्वालिटी भी देख सकते हैं, पिक्चर जो है ना शार्प भी है। सो यहाँ पर डिटेल वाइज में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फ्रंट कैमरे की बात करें यहाँ पर आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पर आपको मिलता है, जो कि f2.0 अपर्चर के साथ आता है, जो कि 24mm वाइड एंगल कैमरा है। सो ये रहा 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। सो यहाँ पर आप इसका डिटेल देख सकते हैं, नंबर छोटा है मगर डिटेल वाइज में बहुत ही परफेक्ट है, यहाँ पर जादुई जैसा रिजल्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर आप डिटेल वाइज देख सकते हैं और एकदम DSLR जैसा लुक प्रोवाइड करता है। यहाँ पर एक्सपोजर कंट्रोल जो है ना ये भी एकदम परफेक्ट है, कभी कभार थोड़ा सा ओवर एक्सपोज करता है फ्रंट कैमरे में, मगर बाहर यहाँ पर आप इसका डिटेल देख सकते हैं एकदम DSLR जैसा लुक प्रोवाइड करता है। यहाँ पर अगर पोर्ट्रेट देखो तो यार एकदम परफेक्ट यहाँ पर पोर्ट्रेट निकलता है। यहाँ पर आप बैकग्राउंड में जो ब्लर देख सकते हैं, यहाँ पर जो एज डिटेक्शन है ये भी एकदम परफेक्ट है, बैकग्राउंड में जो ब्लर है ना बहुत ही सॉफ्ट जैसा लुक प्रोवाइड करता है।
जो मेन फोकसिंग है सब्जेक्ट पर, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं एकदम परफेक्ट लगा। यहाँ पर आप दो तीन बंदे भी होंगे तभी आप इसका रिजल्ट देखेंगे, बहुत ही परफेक्ट होगा गूगल पिक्सल 6 का। यहाँ पर जो नाइट मोड है ना गूगल पिक्सल 6 का बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ पर जो ये पिक्चर हमने क्लिक की थी ये जो है ना बहुत ही अंधेरा था तभी हमने इस पिक्चर्स को क्लिक किया था, मगर यहाँ पर आप डिटेल वाइज देख सके गूगल पिक्सल ने हर एक जगह पर यहाँ पर फोकस किया है और डिटेल यहाँ पर निकाला है गूगल पिक्सल 6 ने, जो कि नाइट मोड में एकदम अच्छा फोन है ये। नाउ अभी हम बढ़ते हैं वीडियोग्राफी की तरफ के, हम इसमें वीडियोग्राफी किस तरह शूट कर सकते हो, यहाँ पर हमें कौन कौन से सेटअप मिलते हैं वीडियोग्राफी में। सो यहाँ पर हमें मेन कैमरा में यहाँ पर आपको मिलेगा 1080p 30 और 60fps और यहाँ पर 4K में भी 30 और 60fps का मैक्सिमम सपोर्ट मिलता है, जहाँ पर आपको OIS का सपोर्ट भी मिलता है। सो गाइस अभी ये जो है ना 1080p 30fps से अभी ये वीडियो शूट हो रहा है। नाउ अभी ये जो है ना 1080p 60fps से अभी ये वीडियो शूट हो रहा है। यहाँ पर आप स्टेबलाइजेशन वगैरह भी देख सकते हैं किस तरह है, वीडियो का डिटेल वगैरह मुझे बहुत ही परफेक्ट लगा यहाँ पर। नाउ गाइस अभी ये जो है ना 4K में 30fps से अभी वीडियो शूट हो रहा है। यहाँ पर आप वीडियो का क्वालिटी वाइज भी देख सकते हैं, स्टेबलाइजेशन वगैरह भी देख सकते हैं किस तरह है यहाँ पर। अभी ये जो है ना गाइस अभी 4K में 60fps से भी वीडियो शूट हो रहा है। यहाँ पर आप भी स्टेबलाइजेशन भी देख सकते हैं, डिटेल वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे स्मूथनेस में बहुत ही अच्छी लगी गूगल पिक्सल 6। यहाँ पर आपको पिक्सल 4 और 4XL वगैरह में बहुत ही फ्रेम ड्रॉप मिलता है, मगर पिक्सल 6 में इस तरह कुछ भी सीन नहीं है, थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप करते हैं वीडियोग्राफी में, मगर बहुत ही परफेक्ट यहाँ पर आपको स्मूथनेस मिलता है। सो गाइस अभी ये जो है ना अल्ट्रा वाइड से वीडियो शूट हो रहा है 1080p 60fps, यहाँ पर आपको मैक्सिमम 1080p 60fps का सपोर्ट मिलता है। नाउ गाइस अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं अभी 1080p 30fps से अभी शूट हो रहा है। यहाँ पर आप स्टेबलाइजेशन भी देख सकते हैं, यहाँ पर वीडियो का डिटेल वगैरह भी देख सकते हैं कि किस तरह पर डिटेल। नाउ गाइस अभी ये जो है ना 1080p 60fps का यहाँ पर आपको वीडियो नज़र आ रहा होगा, ये भी 1080p 60fps से शूट हो रहा है। यहाँ पर आप स्टेबलाइजेशन वगैरह देख सकते हैं, वीडियो का डिटेल वगैरह भी देख सकते हैं किस तरह है यहाँ पर। सो गाइस अभी ये जो है ना 4K में 30fps से अभी ये वीडियो शूट हो रहा है। यहाँ पर आप स्टेबलाइजेशन वगैरह देख सकते हैं किस तरह, यहाँ का पर डिटेल वगैरह भी देख सकते हैं किस तरह है यहाँ पर। नाउ अभी ये जो है ना 4K में 60fps से अभी ये वीडियो शूट हो रहा है। यहाँ पर आप वीडियो का क्वालिटी वाइज भी देख सकते हैं, वीडियो का डिटेल वगैरह भी देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर OIS का सपोर्ट मिलता है, वीडियो बहुत ही स्मूथ और अच्छी क्वालिटी का बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल वगैरह ये किस तरह है। सो गाइस अगर यहाँ पर हम अल्ट्रा वाइड कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ 1080p 30 और 60fps का भी आप वीडियो शूट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम अल्ट्रा वाइड में स्विच हो रहे हैं और यहाँ पर आपको सिर्फ 0.7 का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलता है। अभी ये 1x, ये 2x और ये अभी जो है ना ये 0.7 यानी अल्ट्रा वाइड का जो वीडियो है यहाँ पर आप लोगों को सामने है। यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी 4K का सपोर्ट यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा। सो गाइज अभी ये जो ऑप्शन आपको मिलता है ये है पोर्ट्रेट वीडियो ऑप्शन। यहाँ पर आप बैकग्राउंड ब्लर देख सकते हैं किस तरह, यहाँ पर सिनेमेटिक वीडियो है। ये जो ऑप्शन है आपको एंड्रॉयड 14 में सिर्फ मिलता है गूगल पिक्सल 6 में। सो गाइज अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 8 megapixel के मिलता है। यहाँ पर नंबर थोड़ा सा छोटा है यहाँ पर, मगर अगर डिटेल वगैरह की बात करें तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा परफेक्ट लगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपोजर का मसला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा एक्सपोजर कंट्रोल का यहाँ पर मसला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइट है ना यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मगर स्टेबलाइजेशन वगैरह में बहुत ही अच्छा है गूगल पिक्सल 6। यहाँ पर आप डिटेल वगैरह भी देख सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपोजर का मसला है, थोड़ा सा ओवर एक्सपोज करता है यहाँ पर चेहरे को।
यहाँ पर हम कंक्लूजन की बात करें कि ये डिवाइस आपको बाय करना चाहिए या फिर नहीं। सो गाइस, ये है गूगल पिक्सल 6, जो कि हमने इसका सारा का सारा कैमरा जो है यहाँ पर हमने टेस्ट किया, यहाँ पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी यहाँ पर जो है ना मुझे बहुत ही परफेक्ट लगा गूगल पिक्सल वो। यहाँ पर हम अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करें, फोटो रेट की बात करें, लाइट मोड की बात करें, सो मुझे तो बहुत ही परफेक्ट लगा। यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर करें आईफोन 11 तक, तो इसको ये फीचर छोड़ गया आईफोन को, क्योंकि यहाँ पर जो फोटो रेट वाइज निकलते हैं ये मुझे बहुत ही परफेक्ट लगा। अगर यहाँ पर हम और वीडियोग्राफी की बात करें, सो वीडियोग्राफी में जो है ना इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया गूगल पिक्सल 4 XL और 4 के मुकाबले, क्योंकि हमने गूगल पिक्सल 4 XL वगैरह को भी चेक किया था, मगर यहाँ पर जो है ना स्टेबलाइजेशन जो है ना एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर अगर स्मूथनेस की बात करें वीडियो में, सो यहाँ पर गूगल पिक्सल 6 ने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रेम ड्रॉप नज़र आते थे हमें वो आपको गूगल पिक्सल 6 में इतने नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो है ना फ्रेम ड्रॉप जो है ना यहाँ पर आपको तकरीबन थोड़ा थोड़ा से मिलेंगे, बाहर हाल एकदम परफेक्ट रिजल्ट हुआ करता है गूगल पिक्सल 6 एज ए कैमरे के लिए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो ना, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए हम अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें।